हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग टू द व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। और जैसा कि आप सभी को ही पता होगा, मटकोर की रस्म क्या होती है। हमारे इंडियन वेडिंग में एक किसी के यहाँ 2 दिन पहले मनाया जाता है, किसी के यहाँ 5 दिन पहले भी मनाया जाता है। ये इस तरीके की एक रस्म होती है, तो वहीं पर हम सभी जा रहे हैं। और किसके किसके यहाँ होती है, लगभग तो सभी के यहाँ ही होती होगी, मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप सब मुझे बताइएगा कि किसके किसके यहाँ होती है। तो ये कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ अगल बगल के हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वायरस की वजह से ज़्यादा किसी को बुलाना भी सही नहीं है, और ना ही जल्दी कोई किसी के यहाँ जाना पसंद करता है। तो इसमें कुछ मेरे रिलेटिव्स, कुछ अगल बगल के हैं लोग, और हम सब वहीं जा रहे हैं रोड पे। हमारे यहाँ होता था पहले दूसरे साइड में, बट इधर पे अब दूसरे साइड में हुआ, क्योंकि बारिश उस दिन इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, और ये जो जिससे मटकोड़ की रस्म करनी होती है उस पर टीका वीका लगा के पूजा वूजा कर रही हैं। और क्योंकि मेरी बुआ नहीं आई थी तो मुझे ही करना था, मैं सिस्टर हूँ तो मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया जो भी रस्म होता है ये वाला। और यहाँ पे मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, उसको ढोलक लोग दे दिए थे बजाने के लिए, क्योंकि ढोलक बजाने वाला भी नहीं आया था। और कहीं कहीं पे मेरा भाई जो है उसने भी ऐसा किया था, और रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई है, इसके लिए सो सॉरी। मेरे भाई ने किया था कुछ रिकॉर्डिंग, और क्वालिटी भी नहीं बहुत सही है, क्योंकि नाइट का टाइम था, लाइट नहीं थी, तो इस वजह से बहुत अंधेरा अंधेरा आया है। और देखिए, उसने मोबाइल जो था ना वो रोटेट कर दिया था, मैंने बाद में ध्यान दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब करने में बिज़ी थी, तो इस वजह से। तो कुछ इसी तरीके से होता है। मैंने सोचा कि बहुत सारी क्लिप्स तो नहीं है, मैंने सोचा जो है थोड़ी बहुत मैं आप सभी को दिखाऊं, क्योंकि ये सब देखना मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि बहुत लोग इंटरेस्टेड भी होंगे देखने के लिए, तो इसी वजह से। और एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगी, मेरा कुछ कोलैब था कुछ यूट्यूबर से, बट वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मुझे पता है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं पता, अब आप समझ जाइएगा। तो मैंने इतनी मेहनत की थी उस वीडियो के लिए, मैंने साड़ी पे, सूट पे, जींस पे, गाउन पे, सब पे वीडियो बनाए हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको किसी न किसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसके बाद मैं आप सभी के अपलोड करूँगी, ताकि आप सभी देख पाएँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आप सबसे पहले किस ड्रेस में देखना चाहते हैं, जींस, साड़ी, लहंगा, सूट, गाउन, जिसमें भी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है मटकोड़ की रस्म वो मैं कर चुकी हूँ, और यहाँ पे कुछ और भी करना था, ये आँचल आगे करके उसमें कुछ लेना था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रस्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया ये करके। बुआ होती तो मे बी मैं नहीं करती, बट बुआ आई नहीं थी, दूसरे दिन आई थी, एक बुआ बस मेरी आई थी, बाकी कोई नहीं आ पाया था। तो फिर देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आँचल में लिया जा रहा है, और वीडियो बहुत शॉर्ट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कल वाली वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए, मुझे एक्सपेक्ट था कि बहुत ज़्यादा आएंगे, बट नहीं हुआ ऐसा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सभी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, मतलब हम सभी घर आ गए, और यहाँ पर ओखल जो होता है उसमें इसी तरीके से कूटा जाता है। पीछे नानी है, किसी को बुला रही हैं, तो 5 लोग मिल करके ये करते हैं। तो फिर जब कोई और आया तो फिर मैं हट जाती हूँ, क्योंकि 5-5 लोगों को ही करना था। और अब वीडियो को यहीं पे एंड भी मैं करती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो कोलैब मुझे करना था मैं नहीं कर पाई, तो उसमें आप सबसे पहले कौन सा देखना पसंद करेंगे, इसको बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो उसका अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।